साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। आंधी तूफान का असर, कहीं उड़े छते तो कहीं मोबाइल टावर। मौसम ने फिर एक बार करवट बदली है, वह भी खतरनाक रूप से। राजधानी दिल्ली एनसीआर में गुरुवार शाम अचानक बारिश के साथ कई ओले गिरे तो कहीं आंधी तूफान आया। दिल्ली एनसीआर में आने वाले ग्रेटर नोएडा में कई घरों की छतें उड़ गई तो दीवारें टूटकर नीचे गिर पड़ी। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक घर के ऊपर लगा टावर धड़ाम से नीचे आ गिरा। ग्रेटर नोएडा के पुष्टा रोड और जलपुरा इलाके जैसे हिंडन नदी से लगे क्षेत्र में आंधी तूफान की वजह से घरों से सामान बाहर गिर पड़ा। छत पर रखे कूलर और अन्य सामान भी घर से सामने बिखर गया। ग्रेटर नोएडा में घरों की जब दीवारें गिरी तो चारों तरफ मलबे का ढेर लग गया था। इसकी वजह से दो दर्जन लोग घायल भी हो गए। ग्रेटर नोएडा के आंधी इतनी तेज थी कि निर्माणाधीन घरों के सामने का हिस्सा पूरी तरह से धराशायी हो गया। ग्रेटर नोएडा में घरों के बाहर रखी मोटरसाइकिलों पर कीचड़ की पूरी परत से लग गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मिट्टी की बारिश हो गई हो। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार आधी रात को आंधी चली, जिसमें एक मोबाइल टावर छत से नीचे टूटकर गिर पड़ा। ये घटना गोंडा इटिया थोक थाना क्षेत्र की है। छत से टूटकर गिरे मोबाइल टावर ने दूसरे घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इसमें कोई जान हानि नहीं हुई है। गौरतलब है कि गुरुवार को पूरे उत्तर भारत में अचानक से मौसम बदल गया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ओलों की बरसात से सड़कें पूरी तरह ढक गई। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी भी हुई। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आईजी प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।